हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। आज हम रीड करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर के बारे में। वाटर की नीड किस किस को होती है? जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम सब, जैसे मनुष्य को, इंसानों को, प्लांट्स को, यानी कि पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, जानवर को, पेड़ पौधों में पानी डालते हैं और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पानी पीते हैं, इसलिए वाटर की नीड होती है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादातर पानी से कवर्ड है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानट। इसको अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द वाटर मेक्स इट लुक्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस। अगर हम इसको स्पेस से देखेंगे अर्थ को, तो जो पानी है, पानी वो हमें ब्लू ब्लू दिखता है, और उसकी वजह से जो अर्थ है वो हमें ब्लू दिखती है, तो इसको हम ब्लू प्लानट भी बोलते हैं। अब है ओनली 2.8% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। अर्थ पे जो सिर्फ 2.8% वाटर है वो तो फ्रेश वाटर है, और सारा जिसका कि ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो पीने लायक है, यूजेबल है। और 97.2% जो वाटर है वो सॉल्टी, नॉट फिट फॉर यूज़, मीन्स वो नमक का पानी है जिसको ना हम पी सकते हैं ना अदर किसी यूज़ में ले सकते हैं। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी जो है वो कहाँ से आता है? रेन वाटर इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। जो बारिश से पानी आता है वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है। दिस इज़ ऑल्सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज। जो ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? पॉन्ड से, लेक से एंड रिवर से, इन सब से हमको ज़्यादातर पानी मिलता है। लेकिन जो फ्रेश वाटर, ताजी पानी आता है वो, और जो मेन सोर्स है वो रेन ही है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सरफेस वाटर। ये जो पॉन्ड्स है, लेक्स है एंड रिवर्स है, इनको हम सरफेस वाटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ज़मीन के थ्रू मिलता है। जो रेन है वो तो आकाश से होती है, मीन्स स्काई से, क्लाउड्स के थ्रू, तो उससे क्या हमें रेन वाटर बोलते हैं। और जो जो हमें सरफेस से मिलता है, जो ज़मीन से मिलता है, उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। द रेन वाटर दैट सीप्स इन टू द अर्थ इज कॉल्ड अ अंडरग्राउंड वाटर। इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पम्प्स। जैसे ये जो रेन का पानी आता है वो ज़मीन में चला जाता है, तो अगर हम ज़मीन को खोदते हैं, जैसे ट्यूब वेल्स कराते हैं या हैंड पम्प लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि उससे पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो रेन का पानी है वो सारा कहाँ चला जाता है? ज़मीन में। तो जो ज़मीन में पानी जाता है रेन का, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अब यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? पीने में, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड सो ऑन, इन सब में, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ से। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कोई इंडस्ट्री लगाता है, तो वहाँ पे भी तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ों में पानी की यूज़ मीन्स ज़रूरत पड़ती है। यूज़ ऑफ वाटर इन इरिगेशन, खेती करने के लिए, यानी कि ये फसल वगैरह, जैसे कि फार्मर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं होगा तो वो ऐसे सारी चीज़ें ग्रो कैसे करेंगे? फार्मर्स नीड वाटर टू इरीगेट, मीन्स खेती करने के लिए फार्मर्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि है, दे गेट वाटर फॉर इरीगेशन थ्रू वाटर टैंक्स, कैनल्स, डैम्स एंड सो ऑन। वो पानी कहाँ से लेते हैं? देखो, एक तो बारिश होगी तो उनको पानी मिल जाएगा, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो पानी कहाँ से लेते हैं? वाटर टैंक से, कैनल से, डैम से एंड ये सारी जगह से। अब वाटर स्टोर्ड इन डैम इज यूज्ड फॉर, अब हम पानी जो बारिश का होता है उसको हम कहाँ स्टोर कर लेते हैं? डैम्स में। तो डैम और जैसे रिवर्स नहीं, जैसे जो पानी है, मान लीजिए रिवर है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? डैम लगा देते हैं, जिससे कि हम रिवर के पानी को यूज़ कर सकें। तो उसमें क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मीन्स हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये वाला जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये नदी जा रही है, इसके ऊपर हमने डैम बना दिया, तो इस डैम के वाटर को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इस टाइप से सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में जैसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी बने हैं, जैसे बाकरा नांगल डैम्स बिल्ट ऑन अ सतलुज रिवर, सतलुज रिवर पर यह डैम बना है, एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन द दामोदर रिवर। दामोदर रिवर पर कौन सा बना है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। दीज डेज स्प्रिंकल्स एंड ड्रिप इरीगेशन हैव ऑल्सो बीन अडोप्टेड बाय सम इंडियन फार्मर। किसानों के द्वारा ये स्प्रिंकल्स एंड ड्रिप इरीगेशन के थ्रू भी खेती बाड़ी हो रही है। अब इसमें क्या है? पीसीज ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर ऑटोमेटिकली वाटर वाटरिंग एग्रीकल्चर फॉर्म्स अ प्लांट इज अ कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड अ स्प्रिंकल्स। जैसे ये पानी का छिड़काव करना है, इसको हम बोलेंगे स्प्रिंकल। इसके थ्रू खेती करना, जैसे अब मान लीजिए
ये खेती हो रही है, इन सब में हमको पानी पहुंचाना है। तो अब हम थोड़े थोड़े करके करेंगे तो उसमें पानी मतलब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके थ्रू हमने एक पाइप लगा दिया जिसको इसके ऐसे फाउंटेन टाइप से कर दिया, जिसमें कि एक बार स्टार्ट करने पे ही सारे उसमें पानी एक साथ से जा सकता है। इसको बोलेंगे स्प्रिंकल स्प्रेइंग वाटर ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पर पानी को छिड़काव करना मीन्स फैलाना। अब है अ ड्रिप इरीगेशन पाइप्स आर लेड along the ground so that they are near to the soil and roots of the plant. अब drip irrigation में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके lines जा रही होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है, जैसे ये है suppose, ठीक है। अब इसके पास में ऐसे और lines बन जाए और इनमें पानी जाए, जैसे पतली पतली जगह बना के, जैसे इसमें खेत के पानी जिसमें कि ज़मीन में डायरेक्ट जाता है। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, सॉइल एंड रूट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स की रूट होती हैं, जो जड़ें होते हैं, उनमें डायरेक्ट पानी जाता है ड्रिप इरीगेशन के थ्रू। ड्रिप इरीगेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, जो पानी का जो वेस्ट करने से हेल्प करती है। मीन्स जब हम खेती करेंगे तो प्लांट्स की जड़ों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो इसके ड्रिप इरीगेशन के थ्रू डायरेक्ट पानी वहीं जाता है, जिसके थ्रू पानी की वेस्टेज नहीं होती। मीन्स ऐसा नहीं है कि पानी ऊपर ही ऊपर रह जाए और उनकी जड़ों में ना जाए, रूट्स में ना जाए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है वो सब पानी में डाल देते हैं, सीवेज लाइन पानी में खोल देते हैं, जिससे कि पानी जैसे रिवर्स वगैरह में खोल देते हैं, पॉन्ड्स में खोल देते हैं, जिससे उसका पानी और गंदा हो जाता है। तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट लीव द टैप्स ओपन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग वाटर। हमको जो टैप मींस नल, अगर हमने हाथ धो लिए या हैंड वॉश कर लिए उसके बाद में टैप को क्लोज कर देना चाहिए, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर टू टेक अ बाथ, नहाते टाइम पे हमें शावर की जगह बास्केट यानी कि बाल्टी में नहाना चाहिए। स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, अगर बारिश पड़ती है तो उसका पानी हमें किसी कैन में या किसी भी मतलब ऐसी चीज़ में फिल कर लेना चाहिए जिसका कि हम आगे यूज़ कर सके। थ्रो टिश्यूज़ पेपर इनटू द वेस्ट बास्केट रेदर देन फ्लशिंग इट, फ्लश की जगह हमें टिश्यूज़ पेपर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि फ्लश में एक साथ से बहुत ज़्यादा पानी जाता है, वेस्ट होता है। फिक्स द लीक इन पाइप्स इन द किचन बाथरूम और एनी अदर प्लेस एट होम, अगर तुम्हारे घर में कहीं भी पाइप्स लीकेज होता है जिससे कि पानी डेली वेस्ट जाता है तो उन लीकेज को सही कराना चाहिए। फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट द पॉल्यूटेड वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू अ वाटर बॉडीज, फैक्ट्रीज़ से जो गंदा पानी निकलता है या जो केमिकल वगैरह निकलता है उसको वाटर बॉडीज़ यानी कि जैसे रिवर है, पौंड है या लेक है, किसी में भी जाने से पहले उनको वो वाटर क्लीन करा लेना चाहिए, मीन्स वो गंदा नहीं होना चाहिए, जिससे जो और वाटर बॉडीज़ हैं उन सबका यूज़ हो सके। इसमें अब हमने पढ़ा था वाटर के पानी के बारे में कि सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ से आता है और उसका फिर यूज़ कैसे कैसे है और उसका खेती में कैसे यूज़ है, मीन्स इरीगेशन में कैसे यूज़ है। इसके बाद हमने पढ़ा कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे इसका आगे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर फिर दोबारा से रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।